क्लियर, हमने बताया था। अब आपको अगर लगता है कि देश के करोड़ों युवा सेना में ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, हाथ में हथियार देने जा रहे हैं, उसके बाद 4 साल के बाद वापस बेरोजगार करके सड़क पर छोड़ने जा रहे हैं, अगर इनको भड़काया जा सकता है इतनी आसानी से, तो ये सरकार को चिंता करने की जरूरत है कि देश का युवा भड़काने से भड़क जाता है। अभी वो ट्रेंड नहीं है, 4 साल के बाद उसको हथियारों की, आधुनिक हथियारों की चलाने की ट्रेनिंग हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, 17.5 साल का युवा 21.5 साल में रिटायर होकर, बेरोजगार होकर, हताश निराश होकर, क्योंकि जो वो सेना में जारी अपनी नौकरी को रखना चाहता है, वो सड़कों पर आ जाएगा। और आप कहते हैं वो कहाँ जाएगा, अरे वो अंबानी के यहाँ नौकरी करेगा, टाटा के यहाँ नौकरी करेगा। अरे टाटा अंबानी में नौकरियाँ करनी होती तो वो सेना के लिए दिन रात मेहनत ना कर रहा है। 4 दिन मैं 4 दिन भरोसा नहीं, 4 साल का मोदी को भरोसा देने कमरी बात है। वही कह रही हूँ, देखिए विवाद खड़ा हो गया। मैं पॉलिटिक्स में हूँ, चुनाव लड़ी हूँ, मुझे पेंशन मिलती है, एक बार विधायक रही, मरते दम तक हम रिटायर नहीं होते। तो आज विवाद हो गया है, हम संसद को कहते हैं कि हमारे विधायकों, सांसदों 5 साल के लिए चयन, तो सेना में 4 साल क्यों, बिल्कुल जायज सवाल है युवाओं का। हमारी पेंशन है जिंदगी भर, मरते दम तक उनकी पेंशन क्यों नहीं। हमें सारी सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी, बंगला, वीवीआईपी की सुरक्षा, आप मरते दम तक कब्र में पैरों का कभी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आप 21 साल के युवाओं को रिटायर कर रहे हैं, और आपने क्या कहा, 75% युवा सड़क पर होगा, मात्र 25 आगे जाएगा। पहले आप उसको सिलेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, फिर आप चयन करते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो 75% युवा को आपने रिजेक्ट कर दिया है। अब वो रिजेक्ट होकर जब बाहर आएगा तो कौन उसे लेगा, वो उसे ही लेना चाहेगा जो 75 अंदर चला गया, जिसको आपने भी काबिल माना और आगे बढ़ाया, और 75 हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा। और ये वो युवा है, कितनी उम्र, 17.5 साल में भर्ती, 10वीं के एग्जाम देकर निकला होगा, आपने उसके भविष्य के लिए खिलवाड़ कर दिया। अब वो 4 साल आपके पास जब से आएगा वो ग्रेजुएट नहीं होगा, बारहवीं नहीं होगी, लगातार 100% 100 में से 25 युवा आगे जाएंगे, 75 बाहर कर दिए जाएंगे, 75 में 10 को आरक्षण मिलेगा, 10% को आरक्षण मिलेगा। आरक्षण का आधार क्या होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर, तो उधर मचेगी नहीं 75 में, 75 में से 10% को मौका मिलेगा, बाकी 65% युवाओं का होने क्या वाला है, ये देश जानना चाहता है। आप कहते हैं हमारे पास वैकेंसीज है दूसरी सेवाओं में, डिफेंस में आपको ले लिया जाएगा, आज क्यों नहीं लिया जा रहा, 65 लाख पद सरकारी खाली पड़े हैं, उनको क्यों नहीं खोला जा रहा है। सेना के अंदर 2.5 लाख पद रिक्तियां खाली है, क्यों नहीं शुरू किया जा रहा। युवा ये चाहता है कि ये पूछ रहा है, जिसका जवाब मैं सोचती हूँ मीडिया के माध्यम से मिल जाएगा, क्या वो 2.5 लाख सेना की पक्की नौकरियां अब खत्म कर दी गई है, या उसके भी भर्ती इसी के साथ जारी रहेगी, अगर है तो उसको भी खोल दीजिए, उसे कल ही खोल दीजिए। इसमें कोई दो राय आपको लगती है, रेलवे बेचा, जहाज बेचे, LIC बेचा, देश की विरासत धरोहर बेची जा रही है, क्यों, क्योंकि देश का कर्ज उतारना है, कर्ज तो फिर भी आपसे उतर नहीं, और कर्ज 8 सालों में नोटबंदी थोप कर आपने किया, स्विस बैंक में 50% जो है आपका काला धन बढ़ गया है अभी साल में, आपने नोटबंदी की 500 का नोट, RBI कह रहा है कि 500 का नोट 100% जाली आ चुका है और 2000 का 50%, तो ये तो तालेबंदी हो, नोटबंदी हो, GST में व्यापारी गुमराह था, कृषि कानून में किसान जो है गुमराह था, अपनी पद में युवा गुमराह है, तो मुझे लगता है ये सरकार ही सिर्फ सही दिशा में जा रही है, पाली की 144 करोड़ व्यापारी तो गुमराह है। कृषि बिल रहे हो, हित के लिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे, आप पहले थोपते हैं, फिर पूरा देश आंदोलित होता है, फिर आप समझाने में फिर भी आप नाकामयाब होते हैं, फिर आप अपने कदम पीछे लेते हैं। मैम कोई भी योजना, लोकतंत्र का तरीका ये, संसद बुलाएं, पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस पर बुलाते, सारी पार्टियों को बुलाते, युवाओं से संवाद करते जो आज करने की कोशिश दिखा रहे हैं, है ना। माफी चाहूंगी, पान मसाले की दुकान पर जाकर आप उससे पूछ रहे हैं ये कैसा है अपना जो है भर्ती योजना अग्निपथ, उनसे पूछा जा रहा है, BJP अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, करोड़ों युवा आंदोलित है, उसे हाथ जोड़कर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपील की, मैं भी कहूंगी रास्ता गांधीवादी है, रास्ता सत्य और अहिंसा का है, हाथ में तिरंगा लीजिए। अगर आप सेना के जवान हैं, सच में सेना के लिए आपने ट्रेनिंग ली है, तो जो उपद्रवी है ना वो पीछे छूट जाएगा, वो बिहार UP में देश के कोनों में वो आपके साथ चल नहीं पाएगा, मिलो तक चलेगा वही जो सेना का जवान है कि भर्ती की ट्रेनिंग है। तो कहती हूँ सबको देश के कोनों से निकलिए, उस राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करिए, हाथ में तिरंगा हो, जुबान पर भारत माता जिंदाबाद हो, और उस राजधानी दिल्ली में आ जाइए जहाँ से दिल्ली की सरकार ने ये दिल्ली से ये फैसला लिया है, यहीं से वापस होगा किसान। मैम कोई भी योजना जो लागू होती है सबसे पहले ऐसा क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। देखिए
पहले ये भाजपा को तय करना है। जेपी नड्डा जी ने कहा कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है, मोदी जी ने कहा भारत कांग्रेस मुक्त हो चुका है, लेकिन जब भी ऐसा कोई विवाद होता है जिसमें भाजपा घिरती है, सवालों के जवाब नहीं होते हैं, तब ये कहते हैं ये सारा फसाद पूरा कृषि कानून हो, अग्निपथ पे युवा सड़कों पर कांग्रेस ने किया। पहले ये खुद तय कर ले, लेकिन मैं गर्व से कहती हूँ कृषि आंदोलन में हमने साथ दिया किसानों का, अग्निपथ योजना के विरुद्ध हम साथ देंगे युवाओं का, और जब जब हम साथ देते हैं देश के युवा किसान का, इस तानाशाह सरकार को अपने कदम पीछे लेने पड़ते हैं। ये कृषि कानून में हुआ, ये अभी अग्निपथ भर्ती योजना भी होते हुए आप देखेंगे।